हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर वन आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है रोमन न्यूमेरल्स। यहां देखिए रोमन न्यूमेरल और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल लिखे हुए हैं। रोमन में सिर्फ इतने ही न्यूमेरल यूज हो रहे हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 न्यूमेरल्स का ही यूज रोमन में होता है, जबकि हिंदू अरेबिक में कितने का होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हो गए। हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 10 डिजिट्स यूज करके सारे के सारे नंबर्स तैयार किए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े नंबर तक इन 10 डिजिट्स का यूज करके हम बनाते हैं नंबर सारे। जबकि रोमन न्यूमरल्स में ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स को मिला करके ही छोटे से लेकर के बड़े से बड़े नंबर तक तैयार कर लिए जाते हैं। इसमें जो 7 न्यूमरल्स यूज हो रहे हैं वो है आई वी एक्स एल सी डी और एम। आई है हिंदू अरबिक न्यूमरल में 1, वी फॉर 5, एक्स फॉर 10, एल फॉर 50, सी फॉर 100, डी फॉर 500 एंड एम फॉर 1000। इसमें कुछ रूल फॉलो है। क्या है रूल? ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। नंबर्स को जब रिपीट करने की बारी आएगी तो ये देखिए अल्टरनेट हो रहा है, आई के बाद वी छोड़कर एक्स, एक्स के बाद एल छोड़कर सी, सी के बाद डी छोड़कर एम, आई एक्स सी एम। यही जो 4 न्यूमेरल्स हैं इनको रिपीट किया जा सकता है, बाकी जो बच गए बीच में वी एल डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। वी एल डी कैन नेवर बी रिपीटेड, उनको कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर रिपीट कोई करता है तो वो गलत है। नेक्स्ट है नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और जो सिंबल रिपीट हो रहा है कौन कौन से रिपीट हो सकते हैं जी? आई एक्स सी और एम ही रिपीट हो सकते हैं, और जब ये रिपीट भी होंगे तो 3 बार से अधिक बार हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। एक बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, उससे अधिक 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार नहीं लिख सकते। अधिक से अधिक 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। देन वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये जो वी एल डी है जिनको हम कभी रिपीट नहीं कर सकते उनको कभी हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, है ना? जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते वी एल डी को उनको हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ है जो बच जा रहा है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जिसको रिपीट कर सकते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको रिपीट नहीं कर सकते उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। रिपीट होने वाले कौन कौन से? आई एक्स सी एम ये रिपीट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी यही हो सकते हैं। रिपीट कौन नहीं हो रहे हैं? वी एल डी, तो ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। अब देखने वाली बात है कि किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते और किसमें से नहीं कर सकते हैं। अगला रूल कह रहा है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। ये जो आई है इसको सिर्फ वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई को वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी और में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर एल को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वी तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, एक्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्स को किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? एल और सी में से। फिर उसके बाद एल तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, सी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है? डी और एम में से। ध्यान से दिया जाए, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ 7 न्यूमेरल्स ही है रोमन में, आई वी एक्स एल सी डी और एम।
इनमें से आई एक्स सी और एम एक एक छोड़ करके आई एक्स सी और एम को रिपीट भी कर सकते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते, उनको फिर हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। अब किसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो अगले दो में से, अगला दो कौन है उसके, वी और एक्स, वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किस में से, अगले दो में से, यानी के एल और सी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम सब्ट्रैक्ट सी कर सकते हैं किस में से, इसके अगले दो में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी सी को डी और एम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिस न्यूमेरल को हम रिपीट कर सकते हैं उसको मैक्सिमम 3 times ही रिपीट कर सकते हो, उससे ज्यादा टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये हमारे रूल बन गए कि ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, वी एल डी कैन नेवर बी रिपीटेड, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 times, वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। हमें कब हम समझेंगे कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और कब ऐड हो रहा है, अगर जैसे आई एक्स और सॉरी आई वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो सब्ट्रैक्ट होने के लिए आई को वी और एक्स के लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, अगर आई को हमने वी और एक्स के राइट में लिख दिया इसका अर्थ है कि वो ऐड हो रहा है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक उसी तरह एक्स है एल और सी के लेफ्ट में लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और एल और सी के राइट में लिखेंगे तो वो ऐड होगा। ठीक उसी तरह सी जो है उसको डी और एम के पहले लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद लिखेंगे तो वो ऐड होगा। क्लियर है, वही यहां पर रूल लिखा हुआ, इफ आई इज रिटन लेफ्ट टू वी एंड एक्स देन इट इज सब्ट्रैक्टेड, इफ एक्स इज रिटन लेफ्ट टू एल एंड सी देन इट इज सब्ट्रैक्टेड, इफ सी इज रिटन लेफ्ट टू डी एंड एम देन इट इज सब्ट्रैक्टेड। यानी कि इफ आई और एक्स और सी इज रिटन राइट टू, यानी कि आई इज रिटन राइट टू वी एंड एक्स देन इट इज एडेड, इफ एक्स इज रिटन राइट टू एल एंड सी देन इट इज एडेड, इफ सी इज रिटन राइट टू डी एंड एम देन इट इज एडेड। अब हम लोग एग्जाम्पल्स लेकर के इन सारे रूल्स को समझते हैं। या हमने रोमन में काउंटिंग लिख दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000. हमने रोमन के साथ साथ हिंदू अरबिक भी लिख दिया है तो कि आप कंपेयर कर सकें कि हिंदू अरबिक में 8 अगर ऐसा है तो रोमन में कैसा होगा, रोमन में अगर 8 ऐसा है तो हिंदू अरबिक में कैसा होगा। तो ये सारे हमने एक साथ लिख दिया। अब हमने हम रूल को जरा वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर पहला रूल था आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, यहां पर देखिए आई है एक बार दो बार तीन बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। यहां था नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 times, ये आई तीन ही बार अधिक से रिपीट हुआ, इसमें कहीं भी पूरी गिनती में कहीं भी आपको 4 बार रिपीटेड नहीं दिखेगा, 3 बार रिपीटेड दिखेगा। ठीक उसी तरह से था आई के बाद एक्स कैन बी रिपीटेड, यहां देखिए एक्स 10 था, फिर 20 एक्स एक्स, 30 एक्स 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 वो रिपीट, लेकिन मैक्सिमम 3 times, ये भी 3 से अधिक बार आपको रिपीट नहीं दिखाई दिया। एक्स के बाद सी रिपीट हो सकता है, सी का रिपीटेशन देखिए यहां पर सी 100 सी सी 200 सी 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 300 यहां भी ये रिपीट हुआ बट मैक्सिमम 3 times। एम रिपीट हो सकता है 1000 m 2000 mm 3000 mm, यहां भी एम रिपीट हुआ बट 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ।
तो ये रूल हमारा वेरीफाई हुआ कि आई एक्स सी और एम रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम 3 times, इससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। फिर यहां रूल था वी एल डी कैन नेवर बी रिपीटेड, इसमें आपको वी एल डी कहीं भी रिपीट नहीं दिखा रहा, यहां भी वी एक बार है, यहां भी एक बार है, यहां भी एक बार है, यहां एक बार, यहां एक बार, यहां भी वी एक बार है, यहां देखिए वी एक बार है, एक बार, एक बार, एक बार वी दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर यहां भी वी एक बार है, यहां भी वी एक बार है, यहां वी एक बार है, यहां भी एक बार है, यहां वी एक बार है, हो गया वी का। उसके बाद एल, एल देखिए यहां एक एक बार यहां है, एक ही 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 बार यहां है। डी रिपीट नहीं हो सकता ना, डी यहां एक बार है, डी यहां एक बार है, यहां भी एक बार है, यहां भी एक बार है, यहां भी एक बार है, तो वी एल डी रिपीट नहीं हो सकता। दिखा है पूरे काउंटिंग में जो एग्जाम्पल समझे उसमें एक ही बार आया है, एक से अधिक बार डी नहीं आया, ना तो वी आया, ना ही एल आया और ना ही डी आया। ये भी हमारा रूल वेरीफाई हो गया। अब है कि ये जब इनके लेफ्ट में लिखे रहते हैं तो सब्ट्रैक्टेड होते हैं, राइट में लिखे रहते हैं तो एडेड रहते हैं। फिर वो भी देखना, आई जो है सिर्फ वी और एक्स में सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि वी और एक्स के लेफ्ट में ही आई दिखेगा। आई जो है वी के लेफ्ट में दिख रहा है ना, या एक्स के लेफ्ट में दिख रहा है आई, था ना, आई कैन सर्व वी एंड एक्स, सिर्फ वी और एक्स के पहले आई आपको दिखाई दिया, और कहीं आई ना तो आपको इसमें कहीं एल के पहले दिखाई दे रहा है, ना सी के पहले दिखाई दे रहा है, ना डी के, ना एम के पहले दिखाई दे रहा है। फिर है एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, और सब्ट्रैक्ट होने के लिए लेफ्ट में लिखेंगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो एक्स सिर्फ आपको एल और सी के लेफ्ट में दिखेगा, किसी और के लेफ्ट में नहीं दिखेगा। एक्स हमको यहां दिख रहा है जी एल के लेफ्ट में, है ना, और एक्स दिखेगा हमको सी के लेफ्ट में यहां पर, बाकी एक्स किसी के लेफ्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद है सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, यानी कि सी को हम लोग सिर्फ डी और एम के लेफ्ट में लिख सकते, लेफ्ट में लिखेंगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा। तो सी को देखिए यहां पर सी डी, डी के लेफ्ट में है, और यहां सी एम, एम के लेफ्ट में है, किसी और के लेफ्ट में नहीं, यानी कि किसी में भी वो सब्ट्रैक्ट और नहीं होगा। यही न्यूमेरल्स अगर राइट में जाते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा एड। तो यहां पर आप पहले सब्ट्रैक्ट का सेंस देखिए, आई वी, V मतलब 5 बताया था, 1 मतलब I मतलब 1 बताया था ना, तो 5 माइनस 1 4, इसलिए तो 4 के लिए I भी लिखते हैं ना। X 10 I 1, 10 माइनस 1 9, तो 9 के लिए I एक सिंबल बना है। यहां देखिए X L, L मतलब 50, X मतलब 10, 50 माइनस 10 14। X C, X मतलब 100, सॉरी C मतलब 100 और X मतलब 10, 100 माइनस 10 90। डी मतलब 500, सी मतलब 100, 500 माइनस 100 जी 400, है ना 400। एम मतलब 1000, सी मतलब 100, 1000 माइनस 100 कितना हो गया 900, हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग एड वाला देखते हैं। यहां हमने लिखा वी मतलब 5, 1 मतलब 1, 5 और 1 6, 5 वन वन, वी मतलब 5, आई मतलब 1, आई मतलब 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, उसी तरह यहां पर 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13, 10 प्लस आई भी क्या है 4, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। इसी तरह से यहां हम देख सकते हैं L 50x10, 50 प्लस 10 60, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80। यहां देखते हैं C 100, 100 प्लस 100 200, C 100 प्लस 100 प्लस 100 300, है ना। उसी तरह से यहां पर 500 प्लस 100 600, 500 प्लस 100 प्लस 100 700, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 800,
1000 + 1000 = 2000 + 1000 + 1000 + 1000 = 3000 क्लियर है ना। x 10 x 10 x 10 10 + 10 20 + 10 30। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट और ऐड करके इस रोमन में नंबर्स तैयार किए जाते हैं। अब 3000 तक की कहानी आ गई, उसके बाद अगर हमको लिखना 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 तो क्या करेंगे। अब उसके बाद के लिए चूंकि ये तो न्यूमेरल्स रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम 3 times ही ना, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते, तो उसके बाद 1000 लिखने के लिए ये बार लगा देते हैं। यानी कि वही यहां पर 4000 के लिए 4 लिखा रोमन में IV4, उसके ऊपर बार लगा दिया 4000 हो गया। उसी तरह ये 5 लिख करके 5 के ऊपर बार लगा देंगे 5000 हो गया। L के ऊपर बार 50000, C के ऊपर बार 100000 मतलब 1 lakh। इसी तरह से ये बार लगा करके ये सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं उसके आगे। यहां क्लियर हो गया। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हूं मैं, ये है 1 और अगर ऐसे लिख दिया तो ये हो गया फर्स्ट। अगर ये लिखा है तो हो गया 5, अगर इसी के ऊपर और नीचे ऐसे लगा दिया तो हो गया फिफ्थ। ये है 10 और ऊपर नीचे लगा दिया क्या हो गया 10th, है ना। ये है मानिए 9 और ऊपर नीचे लगा दिया तो हो गया 9th, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं 10th लिखने के लिए ऐसे लिख करके फिर TH भी लगा देते, तो ये गलत हो गया ना। TH लगाने की जरूरत नहीं है, इसका खुद ही अर्थ है 10th, तो फिर TH लगाने की क्या जरूरत है। TH तो तब लगाएंगे ना जब ऐसे लिख दिया हिंदी अरबिक में 10 और तब TH लगा, तब पड़ा 10th, वो भी TH यहां पर ऊपर लिखा जाता है। अगर कोई ऐसे लिखता है TH नीचे तो गलत है, यहां बगल में लिखता है तो भी ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। इस तरह से लिखेगा तो राइट होगा, इस तरह से लिख दिया तो ये गलत हो गया। 10th लिखना है तो ऐसे लिखिए, ये राइट हो गया। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है और नहीं तो गलतियां तो होंगी ही होंगे। यहां पर रोमन न्यूमरल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको क्लियर कर दिए। इसी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड ऑन इसमें जो एक्सरसाइजेस हैं 1G है उसको सॉल्व आउट करना है, इसके बाद एक्सरसाइज 1-8 जो है ये होल चैप्टर पे बेस्ड ऑन है उसको सॉल्व करना है, फिर होल चैप्टर पे बेस्ड ऑन एक टेस्ट पेपर 1 है उसको सॉल्व आउट करना है। चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो ये सारे के सारे एक्सरसाइजेस और टेस्ट पेपर्स आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं खूब अच्छी तरह से। हर एग्जाम्पल का हर पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर इसमें से कहीं भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे SMS करके, WhatsApp करके, ऑडियो कॉल करके, वीडियो कॉल करके आप मुझसे अपना डाउट क्लियरफाई कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे टाइम के अनुसार और मेरे टाइम के अनुसार, क्योंकि मेरा भी कई बार मोबाइल जो है फ्लाइट मोड में रहता है। जैसे जब मैं अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको पढ़ा करके वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है, इस वक्त मेरा मोबाइल क्या है फ्लाइट मोड में। अगर इस वक्त मुझे कोई कॉल कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है कॉल नहीं लग रहा होगा, उसको कोई और मैसेज जा रहा होगा कि आउट ऑफ कवरेज है या फिर स्विच ऑफ है, इस तरह से कुछ मैसेज जा रहा होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इतने सारे वेजे SMS है, WhatsApp है, ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, आप जो सूट करता है आपका और हमारे टाइम के अनुसार उसके अनुसार आप मुझे कॉल करके या मुझे संपर्क करके आप अपने डाउट्स को क्लियरफाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को हर मायने में आप टोटली फिनिश करें, अगली बार जब हम मिलेंगे तो चैप्टर 2 शुरू करेंगे। थैंक यू।